हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C25Y फ़ोन में आप लोग ऑटो टच प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में भी गाइस ऑटोमेटिक टच हो रहा है इधर से उधर, या कभी कभी टच भी नहीं हो रहा है, या कभी कभी ऑटोमेटिकली टच होता रहता है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक टॉकबैक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपके फ़ोन में ये टॉकबैक का ऑप्शन ऑन है तब भी जो है आप लोगों को ऑटो टच प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं टॉकबैक मोड ऑन होने से भी इधर से उधर टच होता रहता है। तो अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरीके का टच प्रॉब्लम है, ऑटो टच प्रॉब्लम, तो इस टॉकबैक मोड को ऑफ़ कर दीजिए। अगर आप लोगों को टॉकबैक मोड ऑफ़ करना नहीं आता है गाइस, तो मैंने पहले वीडियो बना के दे रखा है यूट्यूब में, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो कि कैसे आप लोग टॉकबैक मोड को ऑफ़ करोगे। टॉकबैक मोड ऑफ़ करते ही आपका जो ऑटो टच प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद अपने टेम्पर्ड ग्लास को निकाल लेना है। अगर आपके फ़ोन में सस्ता टेम्पर ग्लास लगा हुआ है तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में ऑटो टच प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। सस्ता टेम्पर ग्लास लगाने से गाइस हाथ, अगर आपका जो उंगली है वो थोड़ा भी गीला होगा तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक टच प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, या इधर से उधर टच होता रहेगा, या कभी कभी टच भी नहीं होगा। तो आप लोगों को जो है टेम्पर ग्लास को निकाल देना है अगर आप लोगों को ऑटो टच प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। निकालते ही आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी C25Y फ़ोन में ऑटो टच प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।